तो दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आपको GSTR 1 फाइल करना है वो भी मई मंथ के लिए तो आप कैसे फाइल करोगे। तो उसके लिए आपको GST के पोर्टल पे जाना है और वहाँ पे आपको पहले तो लॉगिन करना पड़ेगा। जैसे ही लॉगिन करोगे तो आपको रिटर्न के डैशबोर्ड पे आना है। रिटर्न के डैशबोर्ड पे आओगे तो आपको फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे बताना है, कौन से क्वार्टर के लिए फाइल कर रहे हो, और जैसे कि हम मई के लिए फाइल कर रहे हैं तो यहाँ से पीरियड हमें चूज करना पड़ेगा। देन सिंपली सर्च पे क्लिक करना है। चलिए इतना करते ही हमें यहाँ पे चार बॉक्स मिल जाएंगे। पहले वाला है GSTR 1, दूसरा है GSTR 2A, तीसरा है GSTR 2B और जो चौथा है वो है GSTR 3B। तो हम देखने वाले हैं कि GSTR 1 कैसे फाइल करते हैं, जिसमें आपको आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल देनी होती है। तो जैसे कि यहाँ पे बता रहा है कि ड्यू डेट है 11 जून। ओके, तो 11 जून लास्ट डेट है, उससे पहले आपको इसे प्रिपेयर करना है। तो प्रिपेयर करने के लिए आप दो तरह से इसे प्रिपेयर कर सकते हो, प्रिपेयर ऑनलाइन या फिर प्रिपेयर ऑफलाइन। अगर आपके पास ऑफलाइन यूटिलिटी है तो आप ऑफलाइन यूटिलिटी से फाइल करोगे, लेकिन ये वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपको ऑनलाइन फाइल करना है तो वो आप कैसे कर पाओगे। तो उसके लिए सिंपली आपको प्रिपेयर ऑनलाइन वाला जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करना है। चलिए यहाँ पे आपको कई सारी चीजें मिल जाएंगी, जैसे यहाँ पे बता रहा है कि GSTR 1 या फिर इफ। ओके, GSTR 1 किन के लिए है, जो हर मंथ रेगुलर रिटर्न फाइल करते हैं, जिन्होंने क्वार्टरली स्कीम नहीं ली है। जिन्होंने क्वार्टरली स्कीम ली हो उनके लिए इफ फाइल करना जरूरी बनता है, जिससे वो क्रेडिट पास कर सके जिनको वो माल या फिर सर्विसेज बेच रहे हैं। चलिए नीचे बता रहा है GSTR 1 डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, GSTN नंबर यहाँ पे दिखेगा, देन फाइनेंशियल ईयर कौन सा है वो दिखेगा, क्या लीगल नेम है, कौन से पीरियड के लिए आप रिटर्न फाइल कर रहे हो ये आपको यहाँ पे देख लेना चाहिए। देन आपका जो भी ट्रेड नेम होगा और फाइलिंग स्टेटस होगा वो यहाँ पे नजर आएगा, ड्यू डेट यहाँ पे बताई जाएगी। चलिए नीचे आएंगे तो आपको कुछ रेकर्ड डालने हैं जिनमें आप कुछ बॉक्सेस देख रहे हो। चलिए यहाँ पे जो पहले वाला बॉक्स है उसके ऊपर आप कर्सर रखोगे तो बता रहा है टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन। किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, मीन्स जिनका GST में रजिस्टर्ड है, उनको आपने कोई सप्लाई किया हुआ है, उसमें UIN होल्डर्स भी आते हैं, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे देनी है। यहाँ पे सिंपली बताया गया है टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई, मीन्स वो वाली सप्लाई जो टैक्सेबल कंसिडर की जाती है। चलिए डिटेल में समझते हैं, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नजर आ रहा है 4A, 4B, 6B, 6C ये टेबल के नेम है, तो इतना जरूरी नहीं है हमारे लिए। लेकिन यहाँ पे कौन सी डिटेल देनी है, तो वो वाले सप्लाई की जो B2B है, मींस बिजनेस टू बिजनेस हुआ है, सेज में सप्लाई किया है। ओके, और ऐसा ही कोई सप्लाई, यहाँ पे सिंपली आपको एड रिकॉर्ड पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो कई सारे ऑप्शंस है जो आपको यहाँ पे नजर आएंगे, जैसे डीम्ड एक्सपोर्ट वाला पहला ऑप्शन है। अभी डीम्ड एक्सपोर्ट किसे बोलेंगे, तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि एक्सपोर्ट किसे बोला जाता है। जब भी आप इंडिया से बाहर कोई माल बेचते हो या सर्विसेज प्रोवाइड करते हो तो उसे एक्सपोर्ट माना जाता है। वैसे ही अगर आप सेज में सप्लाई करते हो, जैसे कि कुछ जोन होते हैं जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में फॉल करता कोई भी यूनिट है, कोई कंपनी है या फिर ट्रेडर है, उसको अगर आप माल बेच रहे हो तो वो वाले केस में आपको सेज सप्लाई विद पेमेंट और सेज सप्लाई विदाउट पेमेंट चूज करना पड़ता है। गवर्नमेंट ने एक प्रोविजन के अकॉर्डिंग ये एक फैसिलिटी दी है कि अगर आप सेज में सप्लाई करते हो तो उसे एक्सपोर्ट की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। ओके, और उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं ली जाएगी। हालांकि आप चाहो तो टैक्स पे कर सकते हो और बिना टैक्स पे किए हुए भी आप वहां पे माल बेच सकते हो। उसके लिए सिंपली आपको यहाँ पे बताना है कि सेज सप्लाई विद पेमेंट, क्या आप सेज में सप्लाई करना चाहते हो पेमेंट के साथ, या फिर सेज सप्लाई विदाउट पेमेंट, या सेज में विदाउट पेमेंट, मीन्स टैक्स दिए बिना ही आप माल बेच सकते हो। सपोज एक एग्जांपल हम ले ले, तो सपोज कोई माल आपने बेचा है जिसके ऊपर 18% IGST लगता है, क्योंकि सेज में माल जाएगी तो IGST लगेगा, उसे इंटरस्टेट समझा जाता है, भले ही वो स्टेट में ही फॉल करता है। ओके, तो सेज में आपने सप्लाई किया, समझ लीजिए कि IGST 18% लगी है। ओके, तो आप 18% चार्ज करके भी आप सप्लाई कर सकते हो, या फिर 18% लिए बिना ही आप सप्लाई कर सकते हो। तो इसके लिए एक प्रोविजन है, आपको RFD फॉर्म वगैरह भरना रहता है, तो आप विदाउट सप्लाई विदाउट पेमेंट भी आप सेज में सप्लाई कर सकते हो। 18% आपको नहीं देने, लेकिन उसकी कुछ फॉर्मेलिटीज होती है।
और अगर आप चाहो तो पहले टैक्स आप डिपॉजिट कर दो, देन उसे रिफंड भी किया जा सकता है। ओके, तो ये दोनों ऑप्शन है अगर सेज में सप्लाई होता है तो। सेज में सप्लाई एक्सपोर्ट की तरह ही ट्रीट होती है। वैसे ही डीम्ड एक्सपोर्ट कुछ यूनिट्स होते हैं, ईओयू जिसे बोलते हैं, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, देन इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, ओके, बायोटेक्नोलॉजी पार्क। तो ये वाले जो यूनिट है ये एक स्कीम है, ओके, डीम्ड एक्सपोर्ट एक स्कीम है कि जिसके अकॉर्डिंग आपका एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट होगा, जैसे मैंने बोला ESTP, ASTP या फिर बायोटेक्नोलॉजी पार्क है, तो वहाँ पे आप सप्लाई करते हो तो वो वाले केस में इसे डीम्ड एक्सपोर्ट माना जाएगा। भले ही वो एक्सपोर्ट नहीं होगा लेकिन एक्सपोर्ट की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। जैसे सेज में मैंने बात की वैसे ही डीम्ड एक्सपोर्ट भी एक तरह का एक्सपोर्ट ही माना जाता है। चलिए, आपका वैसे ऐसे कोई यूनिट में आप सप्लाई नहीं करते हो तो वो वाले केस में आपको यहाँ पे उसे ऐसे ही रहना देना है, ये चेकबॉक्स में कुछ भी नहीं करना है। देखिए, ये जो चेकबॉक्स है आप देख रहे हो दोनों, सेज सप्लाई विदाउट पेमेंट एंड विथ पेमेंट, वो दोनों डिसेबल है, क्योंकि हमने जब भी रजिस्ट्रेशन किया था तभी बताया था कि हमारी कोई भी सेज में सप्लाई नहीं होने वाली, इसलिए इसे डिसेबल ही कर दिया है। वैसे यहाँ पे इंट्रास्टेट सप्लाई अट्रैक्टिंग IGST, ओके, कुछ सप्लाई ऐसी होती है जो इंट्रास्टेट होती है, मीन्स अपने ही स्टेट में आप सप्लाई करते हो फिर भी वहाँ पे IGST लगती है, तो वो वाले केस में ये वाला ऑप्शन जो है उसे एनेबल करना होता है। लेकिन हमारी भी ऐसी कोई सप्लाई, हमने रजिस्ट्रेशन के वक्त ही बताया था कि ऐसी कोई सप्लाई नहीं है, तो ये डिसेबल है। चलिए, सप्लाई अट्रैक्ट रिवर्स चार्ज, मीन्स किसी को आप सप्लाई कर रहे हो और उसके ऊपर रिवर्स चार्ज लगता है, मीन्स जो टैक्स होगा वो टैक्स डिपॉजिट करने की जो लायबिलिटी रहती है, जो मीन्स परचेस करता है उनकी रहती है, मीन्स आपने किसी को माल बेचा फिर आप टैक्स इनवॉइस रेज करते हो, ओके, और वो जो भी टैक्स 18% 5% 12% के हिसाब से जो भी टैक्स बनता है, CGST SGST IGST, वो आप खुद गवर्नमेंट में डिपॉजिट करते हो GSTR 3B फाइल करके, ओके। लेकिन जब रिवर्स चार्ज वाला आपका कोई सप्लाई होगा तो वो वाले केस में जिसने आपका माल खरीदा है या सर्विस ली है उसको ये टैक्स पे करना पड़ेगा। CGST एक्ट में सेक्शन 9 सब क्लोज 3 में बताया गया है कि कुछ गुड्स होते हैं और कुछ सर्विसेज होती है जिसके ऊपर हमेशा के लिए रिवर्स चार्ज ही लगेगा, ओके, भले ही आप B2B सप्लाई क्यों ना कर रहे हो, ओके। तो 9(3) में फॉल करने वाले गुड्स या सर्विसेज है तो वो वाले केस में आपको यहाँ पे टिक करना है, ओके, चेकबॉक्स एनेबल करना है। चलिए, अगर ऐसा कोई सप्लाई नहीं है कि जिसमें रिवर्स चार्ज लगने वाला है तो उसे ऐसे ही छोड़ना है। नीचे बताया गया है, इज द सप्लाई एलिजिबल टू टैक्स एट डिफरेंट परसेंटेज ऑफ द एग्जिस्टिंग रेट ऑफ टैक्स, मीन्स 28%, 18%, 12% और 5% के हिसाब से टैक्स चार्ज की जाती है। लेकिन कुछ सप्लाई ऐसी होती है कि जिसके ऊपर मीन्स एक उसे एक्सक्लूजन दी गई है और जो भी टैक्स रेट लगेगा उसके ऊपर डिफरेंशियल परसेंटेज पे टैक्स चार्ज किया जाता है। कि ऐसी कोई सप्लाई आप नहीं कर रहे हो तो वो वाले केस में इसे भी ऐसे ही छोड़ना है, ओके। रिसिपिएंट GSTN नंबर, ओके, तो आप यहाँ पे रिसिपिएंट GSTN नंबर डालोगे या फिर यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, UIN नंबर, ओके, जो एम्बेसी को मिलता है। तो जिसको भी आप सप्लाई करते हो, अगर B2B कोई आपका ट्रेडर है तो GSTN नंबर डालोगे या फिर UIN नंबर, जो भी एप्लीकेबल है वो डालना है। जैसे ही ये नंबर डालोगे तो रिसिपिएंट नेम और नेम एज इन मास्टर जो भी होगा वो अपने आप यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। देन इनवॉइस नंबर, आपने जो इनवॉइस रेज किया है उसका इनवॉइस नंबर आपको डालना है, इनवॉइस की डेट यहाँ पे डालनी है, देन टोटल इनवॉइस वैल्यू, ओके, टोटल इनवॉइस वैल्यू मीन्स जो भी आपने माल या सर्विसेज बेचा है प्लस उसके ऊपर जो GST लगा है, तो GST को जोड़ के जो वैल्यू बनती है उसी को बोलते हैं टोटल इनवॉइस वैल्यू, तो वो यहाँ पे डालनी है, ओके। देन नीचे आपको बताना है प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, आपके स्टेट में ही आप बेच रहे हो या फिर इंटर स्टेट बेच रहे हो, तो वो आपको यहाँ से स्टेट पिक कर लेना है। जैसे स्टेट आप पिक करोगे, जैसे समझ लीजिए मैंने यहाँ पे गुजरात पिक कर लिया, तो वो बता रहा है कि इंट्रा स्टेट, मीन्स मेरा रजिस्ट्रेशन गुजरात में है, मैं गुजरात में ही किसी को बेच रहा हूँ, तो वो इंट्रा स्टेट सप्लाई अपने आप हो जाएगा, ओके। अगर यहाँ पे मैं जम्मू कश्मीर अगर डाल देता हूँ तो वो वाले केस में वो इंटर स्टेट मीन्स दूसरा स्टेट होगा, तो इंटर स्टेट सप्लाई बोली जाएगी। यहाँ पे सिंपली नीचे समझिए आपको रेट बताए गए हैं और रेट वाइज आपको टैक्सेबल वैल्यू डालनी है, जो भी इनवॉइस आपने रेज किया है। समझ लीजिए आपने कोई इनवॉइस रेज किया है जिसमें 5%, 18% और 28%
के गुड्स आपने बेचे हैं, तो 5% के हिसाब से कितनी टैक्सेबल वैल्यू बनती है, देन 18% के हिसाब से कितनी टैक्सेबल वैल्यू बनती है और 28% के हिसाब से कितनी वैल्यू बनती है। एक इनवॉइस के लिए मैं बात कर रहा हूँ, जो इनवॉइस डेट और इनवॉइस नंबर आपने डाला है उसमें जिस हिसाब से रेट डिफाइन किए गए हैं उसके हिसाब से उसकी टैक्सेबल वैल्यू डालनी है। CGST, SGST, IGST अपने आप जो भी एप्लीकेबल होगा अपने आप को पिक कर लेगा। वैसे यहाँ पे हमने गुजरात पिक किया है इसलिए यहाँ पे CGST, SGST बता रहा है। अगर मैं यहाँ पे कोई दूसरा स्टेट चुन लूँ तो वहाँ पे IGST आपको मिल जाएगा। ओके, चलिए, तो जो भी टैक्सेबल वैल्यू डालोगे मीन्स 1000 रुपये, मीन्स समझ लीजिए आप 100 रुपये अगर डालते हो, 18% वाली कोई गुड्स आपने बेची है 100 रुपये में, तो 18% के हिसाब से 9 रुपये CGST और 9 रुपये SGST अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा, तो वो करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो सिंपली आपको टैक्स इनवॉइस, आपके पास कम टैक्स इनवॉइस आपके पास रहते हैं आउटवर्ड सप्लाई के, तो वो वाले केस में आप ऑनलाइन ऐसे डेटा फीड कर सकते हो। ओके, कुछ डीमेरिट गुड्स होते हैं या फिर लग्जरियस आइटम होती है उसके ऊपर सेस लगती है, तो वो जो भी अगर आप बेचते हो तो ट्रेडर को पता ही होता है, तो उसके हिसाब से सेस आपको मैन्युअली डालनी होती है। चलिए, हमारे लिए ऐसा कोई सप्लाई नहीं है तो ऐसी कोई डिटेल डालनी जरूरी नहीं है, सिंपली इसे आपको सेव करना है। हालांकि ये जो डिटेल मैं आपको बता रहा हूँ एक सैंपल के तौर पर बता रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने कोई डिटेल नहीं डाली है, अदरवाइज आपकी जो भी डिटेल है वो आप बता सकते हो। चलिए हम पैक करेंगे, तो जैसे ही आप डिटेल डालते जाओगे वन बाय वन इनवॉइस यहाँ पे आपको मिलते जाएंगे। ओके, जो यहाँ पे बता रहा है देर आर नो रिकॉर्ड्स टू डिस्प्ले बता रहा है, वहाँ पे वन बाय वन इनवॉइस ऐड होंगे। देन दूसरा एंड वो इनवॉइस भी आपको ऐसे ही डालना है, ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करना है और डिटेल ऐसे ऐड करनी है। तो जितने भी आपको इनवॉइस हैं आउटवर्ड सप्लाई के वो यहाँ पे आपको डालने हैं। देन अगर आपने B2C सप्लाई किया है, मीन्स आपने किसी कंज्यूमर को सप्लाई किया है जिसका GSTN नंबर नहीं होगा क्योंकि वो कंज्यूमर है, ओके, तो वो वाले केस में आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक 5 नंबर का टेबल और एक 7 नंबर का टेबल। 5 नंबर का टेबल बोला जाता है B2C लार्ज इनवॉइसेस, मीन्स किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को या फिर किसी कंज्यूमर को आपने माल बेचा है लेकिन वो आउट स्टेट से है, वो इंटर स्टेट सप्लाई बनती है इस हिसाब से, और जो इनवॉइस की वैल्यू है वो 2.5 लाख से ज़्यादा है। मैं क्या बोल रहा हूँ, 2.5 लाख से ज़्यादा, मीन्स 2.5 लाख भी नहीं होनी चाहिए, 2.5 लाख से ज़्यादा अगर इनवॉइस वैल्यू बनती है, इनवॉइस वैल्यू मीन्स GST को जोड़ के 2.5 लाख से ज़्यादा वैल्यू बनती है और आप किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को अपने स्टेट से कहीं बाहर में इंटर स्टेट सप्लाई करते हो, तो वो वाले केस में वो डिटेल आपको B2C लार्ज में प्रोवाइड करनी है। वहीं पे अगर आप कहीं पे भी सप्लाई करते हो, अपने स्टेट में सप्लाई करते हो या जहाँ तक बात है इंटर स्टेट की, तो इंटर स्टेट सप्लाई में अगर 2.5 लाख से कम वैल्यू है, ओके, तो वो वाले केस में आपको B2C एड्रेस में डेटा डालना है, ओके। और खुद के स्टेट में तो कितनी भी वैल्यू क्यों ना हो जाए, इनवॉइस वैल्यू, आपको B2C एड्रेस में ही डेटा डालना है। तो पहले हम देखेंगे B2C लार्ज, ओके, फिर से एक बार मैं समझा दूं कि B2C लार्ज आप जब इंटरस्टेट सप्लाई किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को करते हो या फिर कंज्यूमर को करते हो और जहां पे इनवॉइस वैल्यू 2.5 लाख से ज़्यादा होगी तभी यहां पे डिटेल डालनी है, ओके। सिंपली यहां पे ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करना है, देन आपको यहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई बताना है कि आप कहां पे सप्लाई करते हो। देखिए गुजरात यहाँ पे मैं पिक करूँगा तो गुजरात पिक नहीं होगा, ओके, क्योंकि ये इंटर स्टेट के लिए ही है। जैसे यहाँ पे हमने गोवा पिक कर लिया, देन इनवॉइस नंबर आपको डालना है व्हाटएवर, ओके, देन इनवॉइस डेट जो भी होगी वो आपको यहाँ पे एंटर करनी है, इंटर स्टेट सप्लाई ही होगा यहाँ पे। टोटल इनवॉइस वैल्यू समझ लीजिए यहाँ पे 2.5 लाख से ज़्यादा ही होना चाहिए, मीन्स आप 2,50,000 भी डालोगे तो ये वैलिड नहीं होगा, आपको 2,50,000 1 रुपये भी ऊपर होना चाहिए, टोटल इनवॉइस वैल्यू की मैं बात कर रहा हूँ, ओके। देन जैसे आपने पहले वाला जो हमने आउटपुट सप्लाई के लिए जो डिटेल डाली थी वैसे ही यहाँ पे डिटेल डालनी है, ओके, सेम है, सिर्फ यहाँ पे IGST रिफ्लेक्ट होगा। तो इस हिसाब से यहाँ पे वन बाय वन आपको जो भी इनवॉइस आपने रेज किए हैं इंटर स्टेट के लिए जिसकी वैल्यू 2.5 लाख से ज़्यादा है तो वो यहाँ पे बताना है, ओके। चलिए वैसे ही B2C अदर्स भी देख लेते हैं, जहाँ पे आपने स्टेट में या स्टेट से बाहर कहीं पे भी माल बेचा हो, अगर स्टेट में बेचा हो तो जितनी भी वैल्यू है मैटर नहीं करता। देखिए यहाँ पे गुजरात पिक करेंगे तो गुजरात मिल रहा है हमें, ओके, देन इनवॉइस वैल्यू
सॉरी टैक्सेबल वैल्यू जो भी है वो आपको डालनी है। देन रेट यहाँ पे डिफाइन करना है कि रेट कितना है, तो आपको सिंपली समझ लीजिए 18% है। ओके तो देखिए यहाँ पे क्या बताना है, यहाँ पे रेट वाइज मीन समझ लीजिए आपने 10 लोगों को सप्लाई किया गुजरात में ही, आपने 10 लोगों को सप्लाई किया जो रजिस्टर्ड नहीं है, जो कंज्यूमर है। ओके तो टोटल टैक्सेबल वैल्यू 18% वाला आपने माल या 18% वाली सर्विस की टोटल वैल्यू में 10 लोगों को आपको 18% वाला माल बेचा है, तो टोटल टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पे डाल देनी है, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलरली आपको GSTIN नंबर नहीं डालना है, तो इंडिविजुअली बताना नहीं पड़ेगा आपको। सिंपली ये बताना है कि 18% का माल मैंने गुजरात में अनरजिस्टर्ड पर्सन को बेचा है, तो टोटल टैक्सेबल वैल्यू उसके डाल दो और यहाँ पे 18% ले लो, तो अपने आप CGST SGST मिल जाएगा। वैसे ही जितने भी परसेंटेज के हिसाब से आपने माल बेचा है वो पिक करना है और टोटल उसके टैक्सेबल वैल्यू डालनी है, आपको CGST SGST मिल जाएगा। जहाँ तक बात है दूसरे स्टेट की, तो टैक्सेबल वैल्यू जैसे यहाँ पे डालोगे, ओके रेट यहाँ पे पिक करोगे, तो IGST अपने आप मिल जाएगा। लेकिन आपको बता दूं कि ये टैक्सेबल वैल्यू के साथ GST जोड़ने के बाद 2.5 लाख से ज़्यादा वैल्यू और दूसरा स्टेट है, तो आपको B2C लाजमी वो डेटा डालना है, यहाँ पे डालना नहीं है। ओके तो एक डेटा डालोगे, देन 1x1 आप एड रिकॉर्ड करके दूसरा डेटा भी डाल सकते हो। चलिए एक्सपोर्ट इनवॉइस की बात करें, तो एक्सपोर्ट इनवॉइस में ये कुछ पॉपअप मैसेज आएगा जिसे ओके करना है आपको। ओके कुछ गाइडलाइन होंगी उनकी, यहाँ पे सिंपली आपको ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करना है और एक्सपोर्ट इनवॉइस में कौन से डिटेल डालनी है। अगर आप इंडिया से बाहर कोई माल बेच रहे हो या सर्विसेज सप्लाई करते हो, वो वाले केस में इनवॉइस नंबर डालना है, इनवॉइस डेट डालनी है, पॉर्ट कोड। अगर आप एक्सपोर्ट करते होगे तो आपको पता होगा कि आपको एक पॉर्ट कोड मिलता है जब आप इनवॉइस रेज करके उसे भेजते हो, तो वहाँ पे पॉर्ट कोड वगैरह डिटेल भी होती है। ओके दूसरा भी एक तरह का बिल बनता है उसका, तो पॉर्ट कोड यहाँ पे डालना है, देन शिपिंग बिल नंबर डालना है। ओके देन टोटल इनवॉइस वैल्यू जो भी होती है वो यहाँ पे डालना है, देन इंटर स्टेट सप्लाई यहाँ पे होगा क्योंकि वो एक्सपोर्ट हो रहा है, देन GST के साथ आप एक्सपोर्ट कर रहे हो या बिना GST के, मीन्स विथ पेमेंट ऑफ IGST और विदाउट पेमेंट ऑफ IGST। ओके तो वो मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है आपको कि विथ पेमेंट और विदाउट पेमेंट क्या होता है, तो वो अपने हिसाब से आपको यहाँ पे पिक करना है। देखिए यहाँ पे एक डिटेल डाल के देखते हैं, जैसे 18% में मैंने 10,000 का माल बेचा, तो 2800 मुझे IGST पे करना है क्योंकि विथ पेमेंट ऑफ टैक्स मैंने चूज किया। अगर विदाउट पेमेंट मैं चूज करता हूँ तो वो वाले केस में अगर यहाँ पे मैं 10,000 डाल दूँ तो भी यहाँ पे IGST कोई भी रिफ्लेक्ट नहीं करता है। ओके तो वो विथ पेमेंट विदाउट पेमेंट इस तरह से कुछ एग्जीक्यूट होता है। ओके तो अपने हिसाब से आपको यहाँ पे ये डिटेल डालनी है, देन जो भी रिकॉर्ड है वो 1x1 आपको यहाँ पे ऐड करते जाना है। ओके चलिए तो 4 टेबल है वो हमने देख लिए, देन नील रेटेड सप्लाई। देखिए कोई भी ऐसी सप्लाई है जो नील रेटेड है, एग्जेम्प्टेड है या नॉन GST सप्लाई है। नील रेटेड मीन्स जिसके ऊपर 0% लगती है, तो वो आपको टैक्सेबल में नहीं बतानी है क्योंकि नील 0% टैक्सेबल में वैसे कंसिडर होती है, लेकिन जब आप GSTR1 फाइल करते हो तो नील रेटेड कोई भी सप्लाई किया हो आपको यहाँ पे ही बतानी है। ओके उसको आपको पहला आउटवर्ड सप्लाई वाला जो टेबल था उसमें नहीं बताना है, यहाँ पे नील रेट वाली सारी चीजें यहाँ पे एग्जेम्प्टेड, यहाँ पे नॉन GST यहाँ पे बताना है। तो वो इंट्रा स्टेट भी हो सकती है और इंटरस्टेट भी हो सकती है ये वाली सप्लाई, देन रजिस्टर्ड पर्सन को भी आप सप्लाई कर सकते हो या अनरजिस्टर्ड पर्सन को भी। ओके तो अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई टू रजिस्टर्ड पर्सन को आपने सप्लाई किया है, ओके और वो नील रेटेड गुड्स है, तो उसकी डिटेल यहाँ पे डालनी है आपको, उसकी वैल्यू यहाँ पे डालनी है, नील रेटेड टोटल जितना भी हुआ हो। ओके रजिस्टर्ड पर्सन समझ लीजिए गुजरात में आपने 50 लोगों को नील रेटेड गुड्स बेचा था, तो उसकी टोटल वैल्यू डालनी है, किनको बेचा वो देखना जरूरी नहीं है, टोटल वैल्यू डालनी है। वैसे ही एग्जेम्प्टेड गुड्स बेचा है आपको तो उसकी डिटेल यहाँ पे डालनी है, और नॉन GST सप्लाई की है। अगर एक एग्जाम्पल ले लें तो देखिए नील रेटेड में कई ऐसे गुड्स होते हैं वो नील रेटेड कंसिडर किए जाते हैं, कई मेडिसिनल प्रोडक्ट होती है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट होती है वो कंसिडर होती है, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे डालनी है।
एग्जेम्प्टेड में सीजीएसटी एक्ट में बोला है, सेक्शन 2 सब क्लॉज 47 में बोला है कि ये वाले गुड्स और सर्विसेज हैं उसे एग्जेम्प्टेड, जैसे समझ लीजिए आप जो नारियल वगैरह बेचते हैं ग्रॉसरी शॉप में, ओके, और जो भगवान को हम चढ़ाते हैं वो वाला नारियल, तो वो एग्जेम्प्टेड कंसिडर किया जाता है। फिर कुछ ग्रेन्स होते हैं वो भी एग्जेम्प्टेड, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे डालनी है, टोटल वैल्यू, ओके। रजिस्टर्ड पर्सन को टोटल जितना भी किया होगा वो यहाँ पे डालना है। देन नॉन जीएसटी सप्लाई जो होगी, मीन्स पेट्रोल है, क्रूड ऑयल है, वो 5 तरह के प्रोडक्ट रहती है वैसे तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होगी तो वो नॉन जीएसटी कंसिडर किया जाती है, तो वो आपको यहाँ पे बतानी है। देन अगर अल्कोहल है तो वो भी यहाँ पे बताना है, लेकिन रजिस्टर पर्सन को। वैसे ही इंट्रास्टेट अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को किया है तो उसकी डिटेल यहाँ पे ले ली है। देन इंटरस्टेट आपने रजिस्टर्ड पर्सन को, तो उसकी डिटेल। तो सिंपली चारों ऑप्शन आपको ठीक से समझ में आ गए होंगे। चलिए, देन क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट। क्रेडिट नोट कब रेज की जाएगी? देखिए, क्रेडिट नोट आप किसी को दे रहे हो या फिर डेबिट नोट आप दे रहे हो किसी को, तो वो वाले केस में कब ये देनी है, कैसे देनी है? तो सिंपली देखिए, जब भी आपने किसी को माल बेचा और वो माल आपका वापस आया, तो वो वाले केस में आप उसे क्रेडिट नोट दोगे। समझ लीजिए आपने 50 बॉक्सेस बेचे थे लेकिन उसमें से 25 वापस आ गए, तो आपका परचेस मीन्स सेल्स रिटर्न हुआ, तो सेल्स रिटर्न के केस में आप क्रेडिट नोट रेज करोगे। क्यों? क्योंकि आपने 50 जो बॉक्स बेचे थे उसका ही पेमेंट उससे लिया होगा, लेकिन एक क्रेडिट नोट रेज करके आप बता रहे हो कि अभी 25 आपका वापस आ गया है, तो 25 का ही हम कंसिडर करेंगे, बाकी के जो 25 बॉक्स हैं वो हमने आपको क्रेडिट नोट दी है, अगली बार जब आप माल परचेस करोगे तो वो सेटअप कर लेंगे, ओके, तो उसे ही क्रेडिट नोट बोलते हैं। वैसे ही डेबिट नोट उसका उल्टा रहता है, ओके। डेबिट नोट कई बार क्या होता है कि आप माल बेचते हो और माल बेचने के बाद आपको पता चलता है कि कुछ गड़बड़ी हो गई बिल में, आपको कुछ रेट ज़्यादा लगानी थी या फिर कुछ वैल्यू ज़्यादा लगानी थी लेकिन कम लगा दी, तो वो वाले केस में आप डेबिट नोट रेज करके जिन्होंने आपके पास माल परचेज किया है उनको बताते हो कि अभी आपके इतने पैसे अभी भी हमारे लेने बाकी है, मीन्स 50 बॉक्स आपने बेचे थे लेकिन उसके ऊपर जो रेट लगाया वो रेट लगाया था आपने 40 बॉक्स का गलती से, फिर आपको पता चला कि 50 बॉक्स का लगाना है, तो बाकी के जो 10 बॉक्स का जो मीन्स जो भी वैल्यू बनती है उसके लिए आप डेबिट नोट रेज करके जिन्होंने आपके पास परचेज किया होगा उनको दोगे, ओके। तो वैसे ये क्रेडिट नोट डेबिट नोट का फंडा रहता है, लेकिन ये रजिस्टर्ड पर्सन को रेज किए हैं वो वाले केस में सिंपली यहाँ पे ऐड रेकॉर्ड पर क्लिक करना है। देन जैसे आपने पहले वाला ऑप्शन फिल किया था वैसे ही फिल करना है, सब कुछ वैसे का वैसे ही है, ओके। देखिए यहाँ पे जीएसटी नंबर डालना है तो रिसिपिएंट नेम अपने आप आ जाएगा, देन क्रेडिट नोट डेबिट नोट आपने बनाई है तो वो जो वाउचर है उसकी आपको सिंपली यहाँ पे नोट नंबर डालना है, डेट डालनी है, नोट कौन सी है, क्रेडिट नोट है या डेबिट नोट है ये बताना है, देन नोट की वैल्यू कितनी है वो बताना है, मीन्स 25 बॉक्स वापस आए हैं तो वो वाले केस में 25 बॉक्स की जो भी नेट वैल्यू बनती होगी वो आपको यहाँ पे डालनी है, देन प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ पे था वो बताना है, वगैरह वगैरह। तो सारी डिटेल डाल दोगे तो आप क्रेडिट नोट और डेबिट नोट रेज कर पाओगे, लेकिन किन के लिए? जो रजिस्टर्ड पर्सन है उनके लिए। चलिए, अनरजिस्टर्ड पर्सन होंगे तो उसके लिए 9B वाला टेबल है, वो सेम रहेगा, ओके, तो उनके लिए ये वाली डिटेल है। चलिए आगे का है टैक्स लायबिलिटी एडवांस रिसीव्ड, ओके। अगर आपने किसी से एडवांस रिसीव की है, मीन्स आपको बोला गया है कि 50 बॉक्स हमें चाहिए, ऑर्डर मिल गया है और उसके लिए आप एडवांस में ही पेमेंट ले लेते हो, समझ लीजिए आपने 50,000 एडवांस पेमेंट ले लिया है, ओके, वो महीने के लिए, जैसे अभी के महीने की हम बात करें तो ये मई का रिटर्न फाइल करें तो मई में समझ लीजिए मई में आपने कोई डील की जिसमें आपको 50,000 मिले और बोला गया कि जून में आपको सप्लाई करना है, ओके, अभी एडवांस रखो 50,000, तो वो वाले केस में वो जो एडवांस मई में मिले हैं उसकी एंट्री यहाँ पे करनी है, तो गुजरात जो भी स्टेट है वो पिक करना है आपको, ओके, और जो भी एडवांस मिली है, ओके, जैसे समझ लीजिए कि 50 बॉक्स हम जून में देने वाले हैं वो गुड्स पे 18% लगते हैं, तो यहाँ पे जो भी टैक्सेबल वैल्यू होगी वो डालनी है आपको, ओके, और वो यहाँ पे बताना है, ओके। तो ये किन केस में? जब एडवांस रिसीव किए हो वो वाले केस में।
चलिए, तो एडवांस आप रिसीव करते हो तो ये 11A, 11A1 और 2 ये वाला जो बॉक्स है वो आपके लिए एप्लीकेबल है। देन एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस, अब क्या होगा कि ये जो एडवांस रिसीव हुई है उसकी एंट्री आपने, ये जो टेबल है वो आप कब फिल करोगे, तो ये टेबल आप फिल करोगे मई में, ओके मई के रिटर्न में। लेकिन जब जून का रिटर्न फाइल कर रहे होगे तब गुड्स आपने बेची होगी 50 बॉक्स की, अब एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो वो वाले केस में जून का जब रिटर्न फाइल करोगे तो फिर से आपको यहाँ पे बताना है, देन यहाँ पे एडजस्टमेंट हो जाएगा, फिर से यहाँ पे वैल्यू डाल देनी है, जो वैल्यू आपने मई में डाली थी वही जून में डाल देनी है, तो एडवांस एडजस्टमेंट हो जाएगा। ओके चलिए, HSN वाइज समरी, तो हर एक प्रोडक्ट का एक HSN नंबर होता है, तो वो HSN नंबर आपको डालना है। देन उसका डिस्क्रिप्शन कुछ है तो आप डालना चाहते हो तो बता सकते हो। देन क्वांटिटी कितनी है, टोटल क्वांटिटी कितनी है, टैक्सेबल वैल्यू कितने है वगैरह, जैसे यहाँ पे मैं HSN नंबर हम डाल देते हैं। ओके डिस्क्रिप्शन देना है, मोबाइल फ़ोन है वगैरह, ये मोबाइल फ़ोन का है वैसे तो वो डालना है। देन क्वांटिटी, क्वांटिटी किस में है, बैग में है, पीसीज में है, जो भी आपको एप्लीकेबल है वो यहाँ से पिक करना है, जैसे पीसीज है तो पीसीज करना है। टोटल क्वांटिटी कितनी है, तो 10 है क्वांटिटी। टोटल टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, 10 पीस की जोड़ के एक 50,000 का बनता है, तो वो वाले केस में 5,00,000 हो जाएगा। ओके तो 5,00,000 टोटल टैक्सेबल वैल्यू। देन रेट आपको बताना है कि चलिए 12% है, IGST कितना है, CGST कितना है, SGST कितना है। तो देखिए यहाँ पे आपने जो मोबाइल बेचा है तो मोबाइल का HSN कोड डालोगे। अभी ये मोबाइल को लेके जितने भी मोबाइल बेचे हैं उसकी टोटल टैक्सेबल वैल्यू, जैसे 10 बेचे ये महीने में, 20 बेचे, 25 बेचे, उसके हिसाब से यहाँ पे जैसे क्वांटिटी डालोगे टैक्सेबल वैल्यू उसके हिसाब से यहाँ पे आपको डालनी है। ओके टोटल मीन्स 10, एक 50,000 का है तो 10 की कितनी वैल्यू होगी, 5,00,000 डाल दिया हमने। देन जो भी रेट है वो बताना है। देन IGST, CGST और SGST आपको मैन्युअली यहाँ पे डालना पड़ेगा, सेस लगता है तो सेस बताना है। ओके इस हिसाब से जितने भी गुड्स आप बेच रहे हो, समझ लीजिए आप जितने कम गुड्स बेच रहे हो उसके हिसाब से ये आपके लिए अच्छा है। लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा मीन्स प्रोडक्ट्स हैं तो वो वाले केस में आपको अकाउंटिंग करनी पड़ेगी टैली में या फिर किसी और सॉफ्टवेयर में, आपको ये डिटेल रखनी पड़ेगी और आपके CA को प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तब जाके ये चीज़ें कर पाओगे। अदरवाइज आप खुद से अगर अकाउंटिंग जानते हो तो ये चीज़ें कर पाओगे। तो HSN वाइज आपको डेटा वहाँ पे टैली में मिल जाएगा, वो सिंपली यहाँ पे फीड करना पड़ेगा। ओके लेकिन कम प्रोडक्ट है आपके पास, कम सर्विसेज आप बेच रहे हो, तो वो वाले केस में आपके लिए अच्छा रहेगा कि ये आप मैन्युअली डेटा फीड करो। ओके चलिए, वैसे ही डॉक्यूमेंट इश्यूड, आपने जो भी डॉक्यूमेंट इश्यूड किए हैं, जैसे आपने इनवॉइस रेज किया है, बिल ऑफ सप्लाई रेज किया है, रिवाइज इनवॉइस कई केसेस में किया जाता है, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रिसीव वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिफंड वाउचर, डिलीवरी चैलेंज फॉर जॉब वगैरह वगैरह, देखिए आप यहाँ पे सारे देख सकते हो। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने रेज किए हैं उसकी डिटेल डालनी है, जैसे आउटवर्ड सप्लाई के लिए अगर डॉक्यूमेंट रेज किया है तो यहाँ पे ऐड डॉक्यूमेंट करना है। देन इनवॉइस किस नंबर से किस नंबर का, जैसे ये महीने में मैंने आउटवर्ड सप्लाई के 50 बिल रेज किए हैं, तो 1 to 50, 50 बिल मैंने रेज किए 1 to 50। ओके देन ये नंबर देना है आपने, अपना जो भी मीन्स आप जो भी इनवॉइस बना रहे होंगे तो उसका नंबर होगा, तो कितने बिल रेज किए, तो 150। ओके टोटल नंबर कितने होते हैं, तो 50 होता है, इसमें से कोई कैंसिल हुआ है क्या, हाँ एक कैंसिल हुआ है, तो 49 नेट इश्यू है। ओके अगर कैंसिल नहीं हुआ है तो 50, इस हिसाब से आपको टोटल इनवॉइस कितने रेज हुए। देन टोटल इनवॉइस फॉर इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, ओके अनरजिस्टर्ड पर्सन से आपने परचेज किया होगा तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे प्रोवाइड करनी है वगैरह वगैरह। ओके तो इस हिसाब से सारे जो डॉक्यूमेंट है वो आपको बताने हैं और इसे डेटा को सेव करना है। इतना करने के बाद यहाँ पे जो डिटेल है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, अगर वैसे भी रिफ्लेक्ट नहीं होती है तो आपको सिंपली क्या करना है, ये डिटेल डालने के बाद यहाँ पे जनरेट समरी वाला एक ऑप्शन मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। देखिए ये वाला है, ओके जनरेट समरी जैसे करोगे तो सारी जो डिटेल है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कितने बिल्स हैं वगैरह 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 सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएगी। जनरेट समरी करने के बाद ही आपको
सबमिट रिटर्न के ऑप्शन पे जाना है और सबमिट रिटर्न के ऑप्शन के बाद ही आपको फाइल रिटर्न वाले ऑप्शन पे जाना है। तो सिंपली इसमें हमने बताया कि कैसे आपको आपकी जो रिटर्न है GSTR1 है वो कैसे उसमें डेटा फीड करना है। अगर फिर भी आपको समझने में कुछ दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हो, हम आपको बताएंगे कि आपका जो क्वेरी है उसका सॉल्यूशन कैसे किया जा सकता है। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूँ रवि परमार, साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच।